आपकी जाना है लाजमी सारी शॉपिंग करनी है। यूट्यूब ने मुझको गिफ्ट भेजा है। ये क्या है हमारा पास ना एक वेट होगा कि इतने वेट से हम चीजें नहीं रख सकते, तो जो ज्यादा चीजें होंगी हमें वो छोड़ के आनी पड़ेगी। दोनों ने अपने गेटअप्स जो हैं वो इस तरह के कर लिए, एक दूसरे के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए। स्पीड दिख ही नहीं रहा है यार, तो सारे लाइन पे चल रहे हैं। Welcome to astrology. This is me, Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. आज की morning जो है वो मेरी मेरे मम्मी के घर पे हुई है, क्योंकि अरीब साहब ने रात गोली करा दी थी, मतलब पिच करा दिया था। नहीं होता है? हाँ बिल्कुल नहीं आना होता अरीब। अभी इस वक्त मामा करा के सो ही जाती है। झूठ बोल रहा है ये लड़का। मैं कहता हूँ आज लेने आज ले जाए। नहीं नहीं मैं मामा के घर ही सोऊंगी, मैं सुबह आऊंगी। झूठ बोल रहा है, रात के 3 बजे इसने मुझे कॉल कर इतनी फोकती कैसे आता मैं? तो मैंने यही कहा था कि ठीक है वहीं रहे आप। चलो चले 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 घर अपने चले। अब देखो सुबह सुबह आ गया, मुझे नींद से उठाया कि चलो घर घर, तुम्हें घर नहीं जाना घर नहीं जाना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब मैं तो जा रही हूँ भाई। चले जी मैं नीचे आई हूँ, तो नीचे मेरे अब्बा जाग रहे हैं। मैंने तो कहा मैं तो जा रही हूँ, मैंने कहा लेकिन मम्मी नाश्ता किए बगैर कैसे जाऊंगी। नहीं नाश्ता करना अभी कर, मैं नहाने लगा। ठीक है, थोड़ा काम तो लगा, थोड़ा मैं कहता फ्रेश हो। पापा को भी जुकाम लगा है, मुझे भी जुकाम लगा है। और ये जो मानो है ये मुफ्त की चुड़ैल है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये भी 2 दिन से जुकाम बुखार में था। मैंने कहा है तुम टाक। अच्छा दर्द क्या है? हाँ ये सियासी बयान, सियासी बयान। पापा जो है वो हिसाब लगा रहे हैं कि कितने दिन ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो। थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया और सिंगापुर और आखिरी सऊदी अरब। हाँ ठीक है, हो गया साहब पूरा। पापा भी गए थे उमरा करने, तब मुझे याद है अच्छी तरह। हाँ जी आज जाना है शॉपिंग करने, सारी कोई राम शाम लेना है, सारी चीजें लेनी है। हाँ मम्मा से मिले आज। मम्मा आपकी नोजी पे क्या हुआ? मम्मा झूठ बोल रहे, झूठ बोला है, झूठ बोल रहा है। 3 बजे रात की मुझे कहता है बहुत फोक है, मैं उधर ही रहो, मैं यही सो जाऊंगी। बहुत ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा। ये देखिए गाइस मेरी मम्मा स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन नहीं नहीं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तुझे चुराया मेरे दिल का चैन। झूठ तो ना बोलो। नहीं सोए, एक मिनट भी नहीं सोए। और देखो सोए तो हो ना, फिर चलाक झूठो का आएगी। नाश्ता मम्मा, नाश्ता जो आप बनाती हैं अच्छा। पराठा ये तो खा। नाश्ता हमारा आ चुका है, और ईब के लिए मम्मा ने बनाए 2 आंखों वाले अंडे। अंडे वैसे होता 2 आंखों वाले अन्ने अन्ने, और साथ में स्लाइस ऑफ मेरा पराठा। मम्मा मेरे साथ क्या है? डंडे। अरीब के लिए अंडे और मेरे लिए डंडे, ये क्या बात होती है? सालन खाऊंगी, आलू गोश्त। मम्मा ने बड़ा मजे का आलू मटन बनाया, वो खाऊंगी। देसी गर्ल। A few moments later. ये देखे अरीब साहब जो है वो मेरे सामान लेके जा रहे हैं। ओके मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया, मैं मिल लेती हूँ। ओके मम्मी मिलते हैं फिर कल। मम्मा की तरफ से हमको दावत नामा आया हुआ है, हम लोग फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल हमारी तरफ। हाँ जी ये देखो कैसे आई है, ऐसे आई है। कल दावत है आपकी। चलो मुझे छोड़ने आओ बाहर, आ जाओ। अल्लाह हाफिज। खोल दरवाजा, खोल, घर से बाहर निकाल। हाँ घर तक छोड़ने आओ मुझे। वापिस आप ही ना, देखो वापिस लौट के कल आ जाओ। बिस्ती करवाने का बहुत शौक है। आज हमें जाना है लाजमी सारी शॉपिंग करनी है, एहराम वगैरह सब कुछ लेना है। मैंने भी अबायाज लेने हैं, हिजाब्स लेने हैं, इतनी सारी चीजें हैं, शूज वगैरह मैंने ले लिए हुए थे।
कुछ सामान मैंने मम्मा की तरफ से पिक कर लिया है और अभी घर जाके मैं फ्रेश होती हूँ, तैयार होती हूँ। मुझे एक दो वीडियो शूट्स भी करनी है जाने से पहले के जो आपकी काम शाम प्रमोशंस वगैरह हैं वो, तो अभी बस लेट्स गो होते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज मैं आ चुकी थी घर, घर आके मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और थोड़ी सी तैयार हुई हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है। अपना मेकअप शेकअप मैंने रखा है, कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं, जॉब वगैरह निकाल के रखी हैं, कुछ स्टोरीज लगानी थी वो लगाई हैं और अभी नीचे हमारा एक पार्सल आया, रीप साहब लेने के लिए गए हैं तो आई एम वेटिंग फॉर हिम के वो मेरे ख्याल से आ गए हैं। हेलो, ये वाला क्या है? ये मुझे पता है क्या है, लोगों को बताएं आप क्या है। ये यूट्यूब की तरफ से इकरा को गिफ्ट आया। ओई, यूट्यूब ने मुझको गिफ्ट भेजा है। क्या होगा, क्या होगा, चलाओ अनबॉक्सिंग करें अभी। खुशियां कैसे आ गई हैं यार, इतनी ना मुझे किसी चीज की पता। आपको पता है जो जिस प्लेटफॉर्म पे आपने दिन रात मेहनत की और वहां से जब कोई चीज आती है या वहां से कोई कॉम्प्लीमेंट आता है ना, तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट यू कैन एवर अचीव। क्या होगा इसके अंदर, है क्या होगा? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। सो फन, अब खोलेंगे तो पता चलेगा ना किसके अंदर। मुझे तो लग नहीं रहा कि उसकी यूट्यूब की तरफ से आया। अरे ये देखा आपने, यूट्यूब की तरफ पता लगे कोई और पीआर पैकेज आया। वजनी है यार, और मतलब ठीक है ये। वाओ, व्हाट इज दिस? अरे भी देखो, डायमंड प्ले बटन तो नहीं आ गया तुम्हारा? पता नहीं, 10 मिलियन के बगैर। ये क्या है? रोबोट है, सिस्ट्रोलॉजी रोबोट। इकरा ना करो, ये इकरा नहीं, ये है क्या? समझ नहीं लग रही मुझे। और अरे इट्स अ वेरी क्यूट, इतना प्यारा बॉक्स बना हुआ, सिस्ट्रोलॉजी। कहीं क्या, इसको जरा ओपन करो, इसको खोलो, इसको खोलो। वो सीट बेल्ट हम नहीं ना पहनते थे अपने ब्लॉग्स में, उन्होंने भेज दिए कि सीट बेल्ट पहना करो, सीट बेल्ट पहना करें। Oh my wow. God. ये डॉल है कुछ, क्या है? अरे भी कुछ मेरे ख्याल से चल रहा है। यूट्यूब का लोगो बना हुआ कुछ है इस पे। एक मिनट इसको ऑन करती हूँ, रुको। ऑन करो। बिस्मिल्लाह, ये इसका ऑन कहाँ से होता है? ये अच्छा, इसके वो भी सिस्ट्रोलॉजी लिखा, कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो, ये सिस्ट्रोलॉजी हर जगह, यहाँ भी। ये देखिए इतना बड़ा सिस्ट्रोलॉजी, प्यारा लगा मुझे, वेरी माशाल्लाह क्यूट। और जैसे 100K सब्सक्राइबर्स होने पे सिल्वर आता है, 1 मिलियन होने पे गोल्डन आता है, 10 मिलियन होने पे डायमंड आता है। ये मुझे लगता है कि अरे उसकी टांगे नहीं टूट रही, हमारी बिल्ली आ गई, बिल्ली ने तो उसको तोड़ देना 2 सेकंड में। नहीं नहीं, हम इसको हाँ हम इसको संभाल के रखेंगे। मैं इसके साथ लगाऊं, इसको लैपटॉप के साथ चले। चलो जी, देखें हुआ कुछ, लाइट चली है और तो कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर पूरा कंप्यूटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये स्पीकर भी है, लेकिन ये चलता कैसे है? अच्छा ये लाइट ऑन हो गई है, हाँ, वो चार्ज हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई पावर बटन तो होगा, पता नहीं। सिस्ट्रोलॉजी, सिस्ट्रोलॉजी बोलो 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 बोलो, द बेस्ट व्लॉगर इकरा कवल। अच्छा इसको ये देखते हैं, सेफ्टी इसकी ना, अरे वो देखें, ये जो इसके अंदर वो है, हाँ इसकी वो है, क्या है? अच्छा जी, हमें चाहिए 2 मिनट इसको सर्च करने में, ठीक है, और फिर हमें, अरे भी देखें, ये बटन लग रहा है, बटन कौन सा ऑन करें? ये बटन है, करें। ओए ये क्या, ये क्या मेरे घर के काम तो नहीं करेगा? उनको पता लगा इसकी शादी हुई, इसके पास मेड अभी अरेंज नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे भेज दिया। ऑन हो गया क्या? ये मेरे ख्याल से कि ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ऑन करना, जरा गाना लगाएं इस पे। ये स्पीकर है, स्पीकर है, स्पीकर है तो। अच्छा ओके, सो ये चलेगा क्यों? ये चलेगा, हो गया तो इस पे लगाते हैं। सिस्ट्रोलॉजी का ये है स्पीकर, तो सिस्ट्रोलॉजी का गाना लगेगा, सिस्ट्रोलॉजी लगाते हैं। ओए होए होए, अच्छा ना, ऐसा तुमने जिंदगी में नहीं किया, क्या किया? इकरा को आया है ये एक स्पीकर, थैंक यू सो मच। और आज मैंने भी पिंक कलर ही पहना हुआ है, वाह वाह वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, बट आई रियली लाइक माय गिफ्ट एंड इट्स वेरी प्रिटी। इसका बॉक्स बहुत प्यारा है, इसको मैं सेव करके रखूंगी, जैसे मैंने अपने प्ले बटन्स को संभाल के रखा हुआ है ना उसी तरह से। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या या आई, ये 2.9 नहीं ज्यादा हो गए माशाल्लाह। हाँ और अच्छा ये उन्होंने, अच्छा ये 2023 का गिफ्ट है। अच्छा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, मेनी मोर हैप्पीनेस इन योर फ्यूचर। थैंक यू एंड आमीन, आई एम सो हैप्पी टुडे, सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस, और मेरी शादी का मुझे लगता है बेस्ट गिफ्ट यूट्यूब ने मुझे भेजा है। थैंक यू सो मच यूट्यूब की तरफ से शादी का गिफ्ट। इसकी ये निकली है जी फाइनल लुक, ये बॉक्स था पूरा प्रॉपर एक्रेलिक बॉक्स, इस तरह से ये डिब्बे में से निकल आता है, ये देखें कितना खूबसूरत है, इस साइड पे सिस्ट्रोलॉजी लिखा है। ये मैं प्रॉपर जब अपना ऑफिस स्टूडियो रूम बनाऊंगी ना, सो मैं ये उसको वहां पे रखूंगी, और ये स्पेशली उन्होंने लिख के भेज रहा है, इकरा कांग्रेचुलेशंस।
सो आई एम सो हैप्पी कि उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट का जो है ना वो मैसेज आया है एंड आई एम सो हैप्पी और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड डबल हैप्पी। लिमिटेड एडिशन है ये, मैंने चेक किया मैंने। अच्छा, ये कलेक्शंस होती हैं लिमिटेड एडिशन, यूट्यूब ने स्पेशल बनाई है ये। अच्छा, ये स्पेशल हमारे लिए भेजा यार, थैंक यू सो मच यूट्यूब। भेजा होगा, हाँ भेजा होगा, जाहिर है जो काम कर रहा है ये। इसको इसका कोई नाम है, बियर बॉक्स ऐसे करके कोई नाम है इसका, था मैंने देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था, इसका नाम था बियर ब्रिक। अब मैं जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच गाइज, इतने सारे प्यार के लिए, इतनी सारी दुआओं के लिए और इतने सारे लाइक शेयर कमेंट और वो सब चीजें जो आप मेरे कहने पे करते हो। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी टू हैव ऑल ऑफ यू एज माई फैमिली एंड इसी तरह से मेरे चैनल को चार चांद लगाते रहिएगा। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत से गिफ्ट आते रहेंगे, आपको मैं दिखाती रहूंगी। ये तो 2.9 मिलियन होने पे ना फटाफट आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो 4 मिलियन तक पहुंचा दें जरा एक बार। ठीक है जी, तो अभी हम लोग थोड़ा इसको समेटते हैं, इसकी चीजें अपनी जगह पे रखते हैं और फिर हमने शॉपिंग के लिए निकलना है। एज यू नो हनीमून की शॉपिंग के लिए जाना, फिर उसके लिए थोड़ा रेडी होते हैं, अरीब साहब भी रेडी होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं लास्ट को। सो गाइज, हम लोगों ने जो है आप सोच रहे होंगे कि एकदम ये लड़की बदल क्यों गई है, सो गाइज करते हुए आगे तो मेरा वो देखे बाहर वीडियोग्राफर आया हुआ था, मैंने भी अपनी करवाई है वीडियो शूट, उसके लिए मैंने अपना गेटअप चेंज किया है। सुबह से शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, रात हो गई है, ये औरतों का निकलना है, हमें निकलना है और अभी लाजमी सब कुछ खरीद के आना है, सब कुछ खरीदना है बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे वीडियोग्राफर ने तो 10 मिनट में काम किया, मैंने आपको लेट नहीं किया, ये देखें जी हाय। अब हम पहले क्या करेंगे, हम सब खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है। आज क्या बना रही, खुशबू मसर चावलों की आ रही है, खुशबू आ रही है उसकी वही मजे की। अब चलते हैं नीचे अपना बैग शैग लेके। ओए होए होए होए, बने हैं जी मसर और चावल और अचार, आपको देखें जरा। हाँ, भाभी ने बड़े मजे का बनाया है यार, मैं तो खाने लगी हूँ खाना। बिल्ली गई है घूमने फिरने, आते तो फिर दिखाते, इतना पैक हो गया फुल मैचिंग करके, अब मैं लगी हूँ खाना खाने, खाना खा के फिर तब तक तो बिल्ली आया, बिल्ली से मिलाते और फिर हम निकलते हैं। अभी हम लोग जाने लगे और ये देखो जरा ये बिल्ली आई है सैर सपाटे करके, और अभी हम भी इसी फोग में जा रहे हैं। 7 बजे हुए हैं और ऐसा लगे सुबह गुड मॉर्निंग हो रही है। चले जी, अब हम लोग लगे हैं निकलने, अरीब साहब ने बिल्ली को छोड़ दिया अंदर और अब हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गई है मुझे, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। टाइम क्या होगा इस टाइम? 7 बजे हैं अभी, मतलब हमने इन सिटी जाना है ना, तो यहाँ पे ज्यादा होती है, वहाँ पे नहीं होगी। बस जल्दी से करते हैं, अपना सारा सामान पूरा करते हैं, डिसाइड कर लो क्या क्या लेना है और ज्यादा सामान नहीं लेना क्योंकि हम वहाँ पे भी जाके शॉपिंग कर रहे होंगे, हमारा पास ना एक वेट होगा कि इतने वेट से हम चीजें नहीं रख सकते, तो जो ज्यादा चीजें होंगी हमें वो छोड़ के आनी पड़ेगी, ये बात याद रखना है, या फिर उसका फाइन देना पड़ेगा। मुझे नजर ही नहीं कुछ आ रहा, ध्यान से गाड़ी की लाइट नजर आ रही है। अल्लाह खैर करे, हम बस खैर खैरियत से मॉल पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच गए मॉल की पार्किंग में, एक लड़का है जो घर पे जिसको मौका मिलता है भरपूर जूते पहनने का, हमेशा सॉक्स और अपने जूते गाड़ी में रखता है और ये गाड़ी में जूते पहनता है टाइम बचाने के लिए। क्या सीन है ये? वहाँ पे मैं कहता हूँ बस चले जाए, अभी जाके पहन लूंगा। हम गए मॉल पहुंच, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अरीब साहब ने अपना गेटअप बदल लिया और इतने प्यारे लग रहे हैं। मैंने अरीब को कहा अरीब कैप पहने आज, देखते हैं कैसे लगते हैं आप, ठीक है। अरीब ने कहा अगर मैं कैप पहनूंगा तो तुम ऐसे फिरोगी, मैंने कहा डन, सो चैलेंज एक्सेप्टेड। और अब हम दोनों जो है वो रेडी है शॉपिंग करने के लिए और दोनों ने अपने गेटअप्स जो हैं वो इस तरह के कर लिए एक दूसरे के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए। अब देखते हैं कि पहली चीज़ हम क्या खरीदते हैं, लेट्स गो। यहाँ मेरे हस्बैंड साहब को पसंद आ गई बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट, इसके अंदर वाला माल नहीं चाहिए हमको, मुझे तो वही पसंद आ गया, वो भी ले रहे हैं बस ठीक है। साथ में ये शर्ट ले लिया और मैंने गाइस अपना जो फर पहन गई थी वो मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अभी हम बस फिलहाल ऐसे ही घूम रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि एक अपनी चीजें वगैरह ले ली है, उसने अपना स्कार्फ वगैरह ले लिया और मैंने लेना है इहराम उमरे के लिए, टाइम बहुत कम रह गया तो हमने डिसाइड किया वो अपनी चीजें पूरी कर ले, मैं अपनी चीजें पूरी कर ले, तो मैं जा रहा हूँ इहराम लेने के लिए, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स गो। इहराम हमने ले लिया मीडियम साइज, तो भाई ने बता दिया कि ये रिपीट हो जाएगा जब दो उम्रे करने होंगे, तो यार ये भाई बता रहे हैं कि कैसे इसको यूज करना मुझे आइडिया नहीं है, मेरा पहला उम्र है, तो बस ये बताएंगे जी जरा थोड़ा सा आइडिया मुझे दे दें कैसे के यूज करना इसको। ये साइड क्लीन करनी है आपने, ओके, बुर वाली साइड बाहर आएगी, बुर वाली साइड बाहर आएगी, ठीक है। ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है, नीचे से भी वेयर कर सकते हैं, ऊपर से भी वेयर, ठीक है, लेकिन इसको भिगोना है 10 मिनट पहले। हां वो ये फ्रेश कटिंग होती है कॉटन टॉवल, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, दोनों टांगे ओपन कर दी, ठीक है, ठीक है, और इसको यहां से दबाना, यहाँ पे लेके आना, ठीक है, ठीक है, फिर आप जैसे मर्जी उसको
डन है, यूज कर सकते हैं। डन है बस, ठीक है। उसके अलावा ये चादर है, इसको जैसे मर्जी आप ले सकते हैं। इसका एक बाजू बाहर होता, प्लेन ही होता है। डन, थैंक यू सो मच। इसलिए वीडियो भी बना लिया ताकि मुझे आइडिया भी रहे पहनना कैसे, अगर भूलूं तो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। बैग वगैरह भी हमने ले लिया, जो चीज़ें वगैरह कैरी करने के लिए होगा। ये बैग आ गया, एक रख के ले लिया, एक मैंने अपने लिए ले लिया, और ये आराम आ गया। सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं एक की शॉपिंग हुई कि नहीं। तो गाइस मेरी सारी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है। अली साहब ने अलग लिया, मैंने अबायाज, हिजाब एंड जो शॉल्स वगैरह लेनी थी, नमाज शॉल्स होती हैं वो भी ले ली हैं। सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं डन। वज़न देख सकते हैं आप लोग, ओए होए होए। बाकी की सारी रीब की शॉपिंग थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी बहुत बस बाकी। लेकिन आपके सिर्फ कुछ चीजें रहेगी, मेरा तो सब डन है। ये देखे जरा, इस सारी हमारी गाड़ी भर चुकी है, फुल भारी भरकम। इकरा के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने अपनी शॉपिंग इतनी बढ़िया की है, इतना इंजॉय करती है ना लड़कियां जब शॉपिंग करती है, मुझे लगता है। और मोस्टली लड़कियां रिलेट कर सकती है, तो मेरे हस्बैंड को ना शॉपिंग ही रिलेट कर सकती है, लड़के तो बेचारे यार। लड़के आप लोग जितने कुछ लोगों को लोग बहुत शॉपिंग होते हैं जी। गाइस हम लोग हो गए थे शॉपिंग से फ्री और अभी घर जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि इतनी भयानक किस्म की जो है ना वो अच्छा जाते हुए थी। स्पीड दिख ही नहीं रहा है यार, और बुरा हाल हुआ हुआ है, बुरा हाल है। और ये सर्दियाँ मुझे लगता है कि आप सिर्फ सुबह 9 बजे बल्कि सुबह 10 बजे तक भी फोग होती है लाहौर में। हाँ आजकल हो रही है, 10 बजे तक भी होती है। इलाका बहुत खुला है, हाँ देखो नजर ही नहीं कुछ आ रहा, ग्रीनरी ज्यादा है ना यहाँ पे, इसी वजह से बस तरीके से पहुँचते घर। मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सर्दियों में लाहौर में ट्रैवल कर सकते हैं, वरना आप लोग सिर्फ घर बैठे, क्योंकि उसके बाद बहुत एक्सट्रीम फोग हो जाती है। अब हम पहुँच रहे हैं सीधा घर, लेट्स गो, खैरियत से बस पहुँच रहे हैं। इस वक्त इस सड़क का ये हाल हो गया है की ये लाइव आम आंख से बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही, और अभी हम अपनी सोसाइटी में और कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ भी शीशे से निकल निकल के देख रहा हूँ। अरीब साहब शीशे से शीशा ओपन किया हुआ और बस बाहर रस्ते जा रहे हैं। हम अपने घर पहुँच जाएंगे, कुछ बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे है, लेकिन इट विल टेक आई थिंक अराउंड 5 to 7 minutes। अभी हम घर पहुँचे हैं, सामान वामान लेके, ये देखे। हाँ जी, हमारा इस्तकबाल करने के लिए आ गया। चल जा, चल जा, चल जा। चाचू क्यों डांट रहे हैं उसको, जाने दें, वो भी पूरा उसको पता है। मैंने खरीद लिया ये सामान, हमारा परमानेंट सामान है। चले जी गाइस, हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए थे, सारी चीज़ें भी समेटी हैं, रखी हैं, अभी पैकिंग शैकिंग के लिए लगेज आएगा तो उसमें चीज़ें रखी जाएंगी, यानी कि सूट केसेस आएंगे। और कल है हमारा फैमिली का डिनर है, जो दावत रखी हुई है मेरी फैमिली ने, और कल क्या सीन होएगा सोच रही हूँ कि सुबह सुबह जाके हम सूट केसेस भी ले लें और बाकी दावत शावत भी अटेंड कर लें, तो इंशाल्लाह कल बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।